बैठक बुलाई गई, हम लोग जा रहे हैं उसी में। क्या फ्लोर टेस्ट है पहले, ये बैठक कहाँ माना जाएगा, वो सब नेता लोग बताएंगे। आरजेडी में टूट हो सकती है, ऐसा कभी संभव है आरजेडी टूटने वाला पार्टी? आयक जी आज पार्टी के बैठक नेता से भेंट, पार्टी के नेता से भेंट करने जा रहे हैं। बैठक बुलाएगा जा रहा है, बैठक के बारे में जानकारी नहीं है हमको, नेता से भेंट करने जा रहा है। फ्लोर टेस्ट से पहले नहीं, नेता से भेंट करने जा रहा भैया। रुक जाइए सर, रुक जाइए, बैठक बुलाई गई है, क्या वजह है? रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप साइन कैसे दिखा रहे हैं? विक्ट्री इसलिए दिखा रहे हैं कि आने वाला सब जो है ना महागठबंधन के पक्ष में सब अच्छा होने वाला है और हम लोगों का एकदम जीत पक्का होने वाला है। जब संख्या बल नहीं है तो फिर कैसे कह रहे हैं? खेला होने के बाद सामने एकदम बिल्कुल आने वालों को कोई रोकने जा रहा है, लोग आएगा। आंकड़ा नहीं है तो फिर कैसे जीत होगी? आंकड़ा देख लीजिए, आंकड़ा भाई, राजनीति तो गणित के आधार पे होता है ना, है? गणित आपके पक्ष में नहीं है, वो समय बताएगा। आंकड़ों के खेल में आप आगे हैं? आंकड़ों के खेल में नहीं, वो तो खेल जब होगा इसके बाद पता चलेगा ना। खेल तो परसों है सुधर, हाँ। यानी हो जाएगा। क्या लग रहा है कि उसमें आप लोग सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, फ्लोर टेस्ट में क्या लगता है, फ्लोर टेस्ट में क्या लग रहा है, क्या विश्वास? 12 तारीख को पता चल जाएगा आप लोग को, क्या होगा? 12 तारीख को पता चल जाएगा आप लोग को। कौन क्या कहता नहीं कहता, उस काम हम लोग का अपना काम, हम लोग अपना काम करेंगे। जब आंकड़े नहीं है तो कैसे होगा? आंकड़ा जनता भेज चुकी है, भेज चुकी है। कितना कितना आंकड़े आपके पास जुट गए? 12 तारीख को पता चल जाएगा। मांझी जी के घर की तरफ से घूम के आ रहे हैं रुतलाल जी। मांझी जी आदमी नहीं है क्या? हमारे यहाँ तो यहाँ सब मांझी भाई बसे हुए, सब मेरे भाई या परिवार हैं लोग। मांझी जी को क्या आप लोग मनाने में कामयाब हो जाएंगे? हम लोग तो उन्हीं के घर में बैठ के खाना पीना खाते रहते हैं हमेशा। हम लोग आरजेडी के सदस्य है ना, माँ गठबंधन के हैं, गठबंधन के विषय में पूछिए ना हमसे। मतलब फ्लोर टेस्ट पास कर लेंगे, ये लग रहा है खेला होगा। 12 तारीख को देख लीजिए, पता चल जाएगा आप लोग को, चिंता नहीं। खेला होने की बात हो रही थी क्योंकि 12 तारीख को परसों फ्लोर टेस्ट है, उससे पहले देखिए खेला होने की बात मीडिया के लोग चला रहे हैं। हम लोगों ने या हमारे नेता ने ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा था खेल बाकी है। मतलब अभी नया नया आप गठबंधन तोड़ के इधर से उधर गए हैं, तो अभी लंबा खेल है इसमें, वो कहा था खेला शब्द का उपयोग नहीं किया था। तो खेल अभी बाकी है? नहीं देखिए ऐसा लंबा वक्त है, बाकी है। असल बात समझिए, आखिर तेजस्वी यादव जी में क्या आकर्षण है कि भाजपा के विधायक, जदयू के विधायक सब चाहते हैं तेजस्वी यादव जी के साथ आना। सभी पार्टी के जो सत्ता दल के, भाजपा है, जदयू है या तमाम दल है, इन सब विधायकों को लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के बेहतर भविष्य हो सकते हैं। उनके नेतृत्व में अगर सरकार बने तो जिस तरह पिछले 15-17 महीने में बिहार ने ऐतिहासिक कार्य किया है, अगर ये व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो बिहार का कायाकल्प करेगा। सबकी अंतरात्मा से यह आवाज निकल रही है कि तेजस्वी यादव को ही बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब भले उनके साथ जो कठिनाई हो, कोई विधायकों को बांध के कहीं ले जाए, कहीं ले जाए, कहीं ले जाए, लेकिन अंतरात्मा की आवाज से अगर वोटिंग होगा तो पूरी तरह से तेजस्वी यादव जी और जो महागठबंधन के हम लोग के हैं उनके पक्ष में। अब समझिए ना, सारी चीज आप लोग जान रहे हैं कि आखिर क्या आकर्षण तेजस्वी यादव जी में, कि सत्ताधारी दल के लोग जिनकी केंद्र में सत्ता है, राज्य में सत्ता है, उनके विधायक तेजस्वी यादव जी की तरफ आना चाहते हैं, उनके साथ सरकार में आना चाहते हैं, बिहार में चाहते हैं कि इनको मुख्यमंत्री बने। सब जी कितने विधायक है? नहीं सारे लोग, लेकिन अब सब लोग बांध के रखा है, सब लोग उन लोगों को किस तरह से कहाँ कहाँ ले जा रहा है, बस इसमें तो सब बात आप लोगों के सामने है। तो आखिर तेजस्वी यादव जी का को लोग बिहार का भविष्य समझते हैं, उनके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। उधर जो भोज में है, इधर भी आएंगे क्या भोज में? नहीं ये सब ऐसा हम लोग को कोई जानकारी नहीं, हमको बुलाया गया तो हम व्यक्तिगत रूप से आए हैं। फ्लोर टेस्ट में क्या लगता है कि खेल बाकी है? अगर कहीं हिप हुप लागू ना हो तो सब दल के विधायक अधिकांश, हम लोग को 200 सदस्य पुर जाएंगे, मतलब 243 का हाउस है ना, 200 सदस्य हो जाएंगे अगर व्हिप की का लागू न किया जाए। वो आकर्षण है, वो तेजस्वी यादव जी के प्रति भरोसा है, भाजपा जदयू के विधायकों को भरोसा है, उन लोगों ने देखा है, ठीक है। तो अगर व्हिप लागू न हो तो
200 विधायक तेजस्वी यादव के पक्ष में खड़े होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक अकेली ऐसी पार्टी है, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, सब लोग अपने क्षेत्र में, खुद सात दिनों से छह क्षेत्र में था। आज कितने विधायक यहाँ आ रहे हैं? सभी आएंगे। सर ये विधायक दल की सर बैठक बुलाई गई है सर? हाँ, विधायक दल की बैठक विधानसभा है ना, तो परंपरा है हर बार जब विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो विधायक दल की बैठक हर पार्टी बुलाती है, हमारी पार्टी भी बुलाई है, उसमें हम लोग आए हैं। सर कहा ये जा रहा है कि सर 12 फरवरी से पहले फ्लोर टेस्ट है, पहले ये अहम बैठक है, क्या कुछ लग रहा है कि खेल होना बाकी है? देखिए आगे आगे होता है क्या। खिचड़ी पक रही है सर क्या? खिचड़ी पकती है, खिचड़ी खाई जाती है, ये तो दुनिया का ये है ना, सभी होना है, सब हो। क्या लग रहा सर फ्लोर टेस्ट होना, तो क्या सर लग रहा कि एनडीए फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएगा? लगता तो नहीं है, अब तो फ्लोर टेस्ट है वहाँ मालूम होगा, लेकिन हम लोग तो समझ रहे हैं कि जो राज्य की राजनीति है, जो देश की राजनीति है, उसमें मैं समझता हूँ कि वैसे सारे विधायक जिनको ये लग रहा होगा कि संविधान, देश की संस्था, देश की व्यवस्था कि जो ध्वस्त किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, वैसे सोच रखने वाले सारे लोग हम लोगों के साथ हैं। संख्या बल से ज़्यादा हमारे पास विधायक है फ्लोर टेस्ट के लिए, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, बड़े नेताओं तो कहेंगे ना, अब तो बताएगा, अब तो अब कहाँ समय आप तो, क्या लगता है कम है तो? नहीं नहीं, अब तो कम है कि ज्यादा है ही तो पता चलेगा उसी दिन। आप लोग पास संख्या? हाँ, हमारी संख्या तो है ही। क्या लगता है कि फ्लोर टेस्ट में आप लोग सर आगे रहेंगे कुछ? हाँ हाँ, जब आगे रहेंगे, फ्लोर टेस्ट अगर हुआ, मतदान की स्थिति आई तो हम लोग जीतेंगे, आगे रहेंगे। लेकिन सर एनडीए के पास तो बहुमत है सर, एनडीए के पास तो बहुमत है, उसी आधार पर सरकार बनाई है, उसी का ना परीक्षण होने के लिए ये हो रहा है। राज्यपाल महोदय ने जो ये किया कि बहुमत साबित करिए, वहाँ जो है सो झारखंड में देखा नहीं कि एक दिन तो भागते ही रहे, बगैर सरकार के, बगैर किसी सरकार के राज चला रहा, और उसके बाद क्या कहा, तुरंत साबित करिए, दूसरे लोगों को ये देते हैं, उसका भी सब ये हो जाएगा। कहा ना कि देश में सारी संस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं, संविधान सबका जो धज्जी उड़ाया जा रहा है, सबका नहीं, सभी विधायक आएंगे, मैं तो समझता हूँ, मैं भी क्षेत्र से आ रहा हूँ, सभी लोग क्षेत्र से आ रहे हैं। राजद के विधायक में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है, सभी लोग इंटैक्ट, मैं तो अपने क्षेत्र से आ रहा हूँ। एनडीए के विधायक सर आप लोग क्षेत्र से आ रहे हैं? एनडीए के कोई विधायक आप लोग संपर्क में है? अब तो सब उस दिन पता चलेगा। जोर तोड़ हो सकता है सब? नहीं नहीं, जोर तोड़ राजनीति तो जोर तोड़ का ही खेल है ना, संभावनाओं का खेल करिएगा, अब तो पता चलेगा।